सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ नैनीहाल में। गाइस, हम जाएंगे अभी इस घर में, इस घर की डिजाइन वगैरह दिखाएंगे, जो पुराने पुराने घर होते थे भाई, कैसे होते थे। और इतने अच्छे अच्छे घरों को ना लोग छोड़ के जा चुके हैं भाई, यहाँ से कहीं गए मजबूर है भाई। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे इस वाले घर की। ये देखो, यहाँ पे ना एक ही दरवाजा है जिसके दो मंजिले हैं, एक नीचे है एक इसके ऊपर है। ऐसे मशहूर है चमोली साइड में, इसका प्रचलन ज्यादा है। यहाँ हमारा कुमाऊं में इसका प्रचलन थोड़ा कम है, कहीं कहीं पर मिलेगा आपको पुराने घरों में। जनरली इस पे नए नए डिजाइन बनने लगे हैं हमारे वहाँ, लेकिन ये देखिए आप, पुराना डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ दरवाजों में देखिए, और खिड़कियों में भी अलग अलग किया है। आप इसको देख पाएंगे, आप मंदिरों में जाइए, जैसे बागेश्वर हो गया, यहाँ अल्मोड़ा में कटारमन मंदिर है, कचूरी शासकों ने बनाया था, ये भी इसी प्रकार की है, वो देखा देखी शैली है, ठीक है। तो ये गढ़वाल में ज़्यादा मशहूर है, गढ़वाल में इस प्रकार के आपको ज़्यादा घर मिल जाएंगे। सो गाइस, इसके नीचे ऐसा कुछ है, देखो भाई, ये भाई मैं इसमें आ जा रहा हूँ, पूरे 6 फुट का तो नहीं है, फिर भी मैं टच हो रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ये देखो भाई, पहाड़ों के जो घर होते हैं ना, आपने मेरे पुराने ब्लॉग भी देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से होते हैं, लकड़ी से बनाए होते हैं। बाकी ये देखो भाई, इसका बीम है, काफ़ी मोटा बीम है नी, ये देखो भाई बहुत तगड़ा। और इस पर भी देखो भाई, डिज़ाइन ही है, पूरा पत्थर है, ये पूरा पत्थर है भाई, जैसे आपको ना कटारमल और नंदा देवी में मिलते हैं भाई, वैसे ही पूरा पत्थर है भाई, ये काट के बना रखा है। ये भी देखो सेम है ना, ऐसे ये वाला पत्थर देखो भाई कितना मोटा है, और भाई इसको पुराने जो लोग हैं ना वो कैसे लेके आए होंगे। और ये देखो भाई, ये कितना मोटा है यार, ये ना पूरा लकड़ी है। और ये देखो भाई, पूरा पेड़ के ही मतलब काट के बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है नी। सो गाइस, हम इस वाले घर में लेके चलते हैं आपको। और ये घर बना है भाई सीताराम, सन 1980 में बना हुआ भाई। सो फाइनली गाइस, अभी इस वाले घर में पहुँच चुके हैं। बाकी आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा भाई, ये वो घर है ना जहाँ पे पहले बहुत सारे लोग रहा करते थे, और यहाँ पे अलग ही रौनक हुआ करती थी। आज के दिन में भाई यहाँ पे देखो, घास फूस सब जम गई, पर यार अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा ना, इसकी देखरेख तो करनी चाहिए लोगों को, मेरे को लगता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है माहौल है। कभी भी मैं जब आता हूँ ना इधर से, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है देख के, पर यहाँ पर ये देख के अच्छा नहीं लगता कि कोई रहता नहीं है। जब यहाँ पर पहले लोग रहते थे ना, तो भाई यहाँ पर ना पूरी एक चहल पहल रहती थी, और अभी भी वही चहल पहल है यहाँ पर, बस लोग नहीं है। अगर लोग होते तो अलग ही रौनक होती। बाकी यहाँ की जो यहाँ के डिज़ाइन दिखाते हैं आपको, यहाँ के घर, आप घर तो अंदर जा नहीं सकते भाई, हम अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि अंदर ना ताला लगा हुआ है, बाहर से ताला लगा हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। पर ना जो मकान है ना, पूरे टूट चुके हैं, मतलब पूरे के पूरे टूट चुके हैं। सो गाइस, ये देख सकते हो अभी यहाँ पर ना काफ़ी सारी झाड़ियाँ जम गई हैं। बाकी यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर भी डिज़ाइन बहुत पुरानी पुरानी डिज़ाइन मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा पुरानी डिज़ाइन है। अब तो पहाड़ों में घरों में ऐसा लोग बनाते नहीं, बस सिंपल सा लगा रहे हैं, पर पहले के जो लोग थे भाई ऐसी कुछ बनाते थे, तभी ये मजबूत भी रहा। ये पूरी एक लकड़ी है जिसके अंदर ही पूरा बना रखा है सब कुछ, राइट। अभी ये देखो भाई, ये भी पूरा लकड़ी है, ये ना पूरा लकड़ी है, बस यहाँ से थोड़ा सा अलग है, बस ये देखो भाई नीचे से पूरा ही अलग है। अब जो बनाते हैं, अब लोग इतना ही बनाते हैं भाई, ये हिस्सा बनाते हैं और बस छोड़ देते हैं भाई। इसका देखो क्या ही लुक है, इसमें देखो, बाकी इसमें भी गैस ताला लगा हुआ है, ये बड़ा ख़राब लग रहा है मुझे तो। बाकी इसके पत्थर देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे भी वो नीचे वाला जैसा रहने वाला है, ये देखो भाई यहाँ पे शायद कोई रहता होगा अभी, ये देखो भाई, ये भी बहुत मस्त वाली डिज़ाइन है। अगर इसमें ना अभी पेंट हो जाएगा ना, ये अच्छे से बना दिए जाएंगे ना गैस, तो इसमें अलग ही मज़ा आएगा, इसको देखने में, इसके खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। ये देखो भाई, अब ये घरें ऐसे हो गए हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ यार, अंदर चलते हैं कहीं नीचे ना गिरे बस। गाइस, ये है देखो सामान स्टॉक करने का। गाइस, यहाँ पे 2 चूल्हे हैं देखो भाई, एक वहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक हो गया। बाकी अभी हम पीछे की साइड दिखाते हैं भाई, लकड़ियों में ना गाइस, इन लकड़ियों में ना दीमक बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है भाई। बाकी पीछे तो यार पूरा टूट रखा है, ये देखो भाई पीछे ना पूरा टूट गया है। यही है ना फिर, घरों में जब कोई है नहीं तो भाई सिस्टम यही होगा कि यहाँ भी गैस टूटा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये है बाखली एक छोटी सी, इधर से भी घर है, थोड़ा सा इधर से भी घर है, देखो भाई उधर से भी है, इसका जो दरवाज़ा है वो भी सामने ही है। तो हाँ, अभी ना
इधर साइड को देखते क्या है इधर को ना, ये देखो यहाँ पे ना वॉशरूम वगैरह है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जगह है भाई, ये देख रहे हो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जगह है। और ये देखो भाई मामा बैठे हुए वहाँ पे, मामा छत में चले गए थोड़ा सा, अभी मैं जा रहा हूँ इसके छत में। बाकी ये सीढ़ी देखो भाई कितनी खड़ी सीढ़ी है, ये टूटे ना बस, इतना मोटा बीम डाल रखा है यहाँ पे। तो ये देखो गाइस कुछ इस प्रकार से ऊपर से दिख रहा है कि नेक्स्ट लेवल वाला सीन है ना। ये देखो भाई पहाड़ों के पुराने घर, अब तो भाई इसको पकड़ लो क्या एक बार, करंट करंट आ जाएगा मुझे, सब ने अपने पुराने घर छोड़ दे, क्योंकि एक तो सड़क के कारण, स्कूल भी गाइस यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है, और भाई हॉस्पिटल से यहाँ से अल्मोड़ा ही जाना पड़ेगा, तब तक का जो पेशेंट होता है भाई उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो जाती है। तो यार अभी ऐसा करते हैं अभी दूसरे एक दो घरों में और चलते हैं, जितना हो सकेगा मैं उतना दिखाने की कोशिश करूँगा, पर यहाँ पर तो सभी सब घर खाली हो गए भाई। बाकी ऊपर साइड को ना एक दो लोग रहते हैं और नीचे मामा लोग रहते हैं। तो भाई ये देखो कितनी खड़ी सीढ़ी है, इसमें ना सीधे ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है, ये भी लग जाएगा भाई। चलो मामा चलो, पहाड़ क्यों छोड़ रहे कहा ऐसे हैं? रोजगार भी तो है, मतलब पहाड़ में लोग सब्जी वब्जी तो उगा ही सकते हैं ना। हाँ वो भी बंदर खा जाते हैं, सुअर खा जाते हैं, वही तो। ये देखो क्या है, ये क्या गया, ओ भाई बिच्छू लग गया। ये देखो भाई जोकर, ये कैसा कुत्ता है भाई। ओ डॉगी तुमको क्या लग गया, तूने हमको डरा दिया था, ये तो ऑटोमेटिक है यार। गाइस ये देखो सबके सब में ताला लगा हुआ है भाई, यहाँ भी ताला लग गया, और ये डॉगी पता नहीं किसका है। गाइस यार ये देखो भाई ये भी टूट गया है, अब ये कभी भी भयंकर गिर भी सकता है। मैं एक बार यहाँ से बाइक लेके आया था, तो भाई ये घर भी देखो क्या ही कमाल का हो गया। अब ये देखो यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन मिल रही है, बाकी यहाँ पे वॉशरूम है। सो गाइस इस घर का लुक तो कुछ अलग ही है नहीं मामा? हाँ, पर ये छोड़ दिए लोगों ने, देखो भाई इसको चौखट बोलते हैं ना मामा, ना क्या बोलते हैं इसको, चौखट तो उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस? ये देखो ये सीढ़ी है, यहाँ पे ना लोग शाम को चाय पीते थे, बैठ के ना चाय पीते थे, हाँ जैसे बरामदा बनाते हैं वही सीन है भाई। यहाँ पे चूल्हा वाला रात को लगा लिया, बाकी ये गौशाला हो गया, और ये देखो इसमें कुछ अलग डिज़ाइन है नहीं, और ये भी वही सिस्टम है। बाकी ये आंगन है देखो, यहाँ पे ना अंजीर का पेड़ है तिमल, और ये देखो भाई यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है भाई। ये देखो ये वाला सीन, इसके अंदर जो भी होगा दिख जाएगा, पर अभी चलते हैं इधर। ये भी ख़राब हो गया घर, ये वाला घर भी ख़राब हो गया। यहाँ पे देखो भाई कितनी मस्त जगह है, इतने जब लोग रहते होंगे तब तो अच्छा लगता होगा ना, मामा को तो पता ही होगा। मामा जब साथ में थे दोस्त लोग, हमसे बड़े भी थे हमसे छोटे भी थे, हाँ बड़ा मजा आता था। अब तो बहुत मिस कर रहे होगे सबको ना, मिस ही करते हैं, कहीं गांव जुड़ गया है, इधर चले गए हैं। वही तो गाइस, एक मामा रहते हैं यहाँ और एक दो लोग और रहते हैं ऊपर बस, और देखो भाई सब लोग ना यहाँ से भाग गए हैं, बोले तो मतलब छोड़ के चले गए मैं सब कुछ। ये देखो इतने अच्छे अच्छे घर हैं यार, इतने अच्छे अच्छे घर हैं ना, मैं क्या ही बोलूं भाई, इतने अच्छे अच्छे घर हैं ना जो कि सब के सब छोड़ के चले गए हैं। बाकी ये देखो भाई किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। गाइस यार पहाड़ में ना पानी और फल फ्रूट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर ना दिक्कत है तो भाई रोज़गार और आपकी पढ़ाई, रोज़गार पढ़ाई और भाई हॉस्पिटल, इन तीन चीज़ों की ना कुछ ज़्यादा डिमांड है पहाड़ों में। और भी कुछ चीज़ें हैं, आप पहाड़ों में ना आप भाई खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि बंदर भी लग जाते हैं, और बंदर तो लगते लगते हमारे तो ना गए रात में पूरा खेत खोद जाते हैं, आप जितनी फसल लगाओगे ना सब के सब उजाड़ जाएंगे। तो मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, मेरे को यहाँ के मतलब लोग भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेरे को सभी अच्छा मानते हैं। तो भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग ना एक्चुअल में प्लान करके जा रहे हैं ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है भाई लिटरली ना यार। हम भी देखो अपने मालक उठ के भरोसे आते हैं, अब कल परसों को मामा लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है भाई यहाँ पे, और भाई सड़क की दिक्कत है, सब चीज़ की दिक्कत है। सो गाइस यार मैंने आपको ये ऊपर वाले सारे घर तो दिखा दिए, पर अपना नैनीहाल रह गया। गाइस कल हमने ये वाला नल सही किया,
यहाँ पे ना ये एल्बो लगाया, फिर ये टी, ठीक है। तो ये है भैया हमारा ननिहाल। यहाँ पे ना आपको पुरानी डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ना रिपेयर कर दिए हैं इसलिए। तो भाई अब जो देखो ऊपर साइड में जो पुराने पुराने घर थे उनमें ना अलग वाली डिज़ाइन थी, और भाई अब जो घरों के डिज़ाइन है ना ये देखो भाई। तो गाइस आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे। सो गाइस यार सनसेट भी होने वाला है, थोड़ा सा बज गया है। तो भाई ये कुत्ता ना इतना हरामी हो रहा ना, ये अजीब सा कुत्ता है भाई, बहुत ज़्यादा अजीब सा है। इसने मेरे को डरा दिया अभी, कल शाम बाघ आया था ना खतरनाक वाला, उसने खतरनाक तरीके से डराया था, अभी इसने डरा दिया। इसको तो खा ही जाएगा रात को, पता नहीं किसका, अजीब सा है, मैंने दिखाया भी आपको। यहाँ पे पहुँच गए। सो गाइस ऐसा करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।